अरे यहाँ पर तीन असाइनमेंट मिसिंग है, सुषमा, जमुना और भूमिका। आपको क्या स्पेशली सुपारी देना पड़ेगा उनका असाइनमेंट जमा कराने के लिए? सर आपको तो पता ही है उनका कैरेक्टर कैसा है, ना ही उन्हें स्कूल आने में कोई दिलचस्पी है और ना ही क्लास करने में। तो आप टीचर बने ही क्यों जब आप स्टूडेंट्स को ही संभाल नहीं सकते? आपको क्या भजिया तलने के पैसे दिए जाते? मुझे कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनना है, मुझे आज के आज उनका असाइनमेंट चाहिए। oh, no. और अगर आप उनमें से किसी का भी असाइनमेंट नहीं ला पाते हो तो आई एम सॉरी, आप अपने नौकरी से हाथ धो बैठोगे। सर ये कैसे संभव हो सकता है, उनसे असाइनमेंट लेना तो लोहे के चने चबाने के बराबर है। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। सॉरी अब कुछ नहीं हो सकता है, अब चाहे आंधी आए या तूफान मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मुझे उनका असाइनमेंट चाहिए, मतलब चाहिए। अब टाइम वेस्ट मत कीजिए, शाम तक का समय आपके पास, जल्दी जाइए और उनका असाइनमेंट लाइए। ठीक है सर, कहाँ फंस गया मैं तो। सो गाइस, क्या टीचर कलेक्ट कर पाएगा असाइनमेंट या फिर उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। जमुना सुषमा जल्दी धराओ। क्या हुआ, क्या हुआ? क्यों चीख रही है बैल की तरह? सुना तुम दोनों ने, हमारे बोर्डिंग क्लास टीचर आ रहे हैं असाइनमेंट लेने। है? ये असाइनमेंट क्या होता है मुझे तो वो भी पता नहीं है। होमवर्क, होमवर्क। ओ अच्छा होमवर्क, कुछ दिन पहले ही तो उसने असाइनमेंट करने दिया था। गधी, कुछ दिन पहले नहीं 3 महीने पहले दिया था। ओ अच्छा, कितने जल्दी 3 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ वही तो। तू क्यों वही तो बोल रही है, तू तो सोती रहती है कुंभकर्ण की तरह। तेरे लिए ना दिन ना रात, हर वक्त सोती रहती है। सोचो कुछ, कैसे नहीं पढ़ना है उस टीचर से? सोचना क्या है, जैसे क्लास में सताते थे वैसे ही सताएंगे। वो कैसे? सिंपल, अपने अपने घर जाओ, मम्मियों को घर से बाहर भेज दो और खुद ही मम्मी बनके सर के सामने आ जाओ, बस। वाह क्या आइडिया है, मैं तो बचपन से ही जीनियस हूँ। क्या कर रहे, जा अपने अपने काम पे लग जाओ। वो तो सबसे पहले मेरे ही घर आएगा, मेरे काम खत्म होने के बाद मैं तुम दोनों को कॉल कर दूंगी, ठीक है? फिर अपना काम चालू करना, अब जाओ। मैं तो पहली बार माँ का रोल निभा रही हूँ, पता नहीं कैसे दिखूंगी, अच्छी दिखूंगी। अरे ये सुषमा का घर कहाँ है? इन बच्चों से पूछ लेता हूँ। अरे बेटा ये सुषमा का घर कहाँ है? वो रहा सुषमा का घर। थैंक यू बेटा। कोई बात नहीं। घर में कोई है? लगता है आ गया टीचर। माँ की साड़ी में एकदम नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही हूँ। चलो अब अपना एक्टिंग शुरू करती हूँ। कौन है, क्या चाहिए आपको? वो मैं। हाँ हाँ समझ गए, आप भिखारी हो ना, रुको अभी पैसे लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं सुषमा के स्कूल से आया हूँ। आप सुषमा को बुला देंगी? मैं उसका क्लास टीचर हूँ। क्लास टीचर हो तो मैं क्या करूँ, नाचो? क्या? मेरा मतलब सुषमा भी नाच रही है, उसका डांस क्लास चल रहा है ना। आप सुषमा को बुला देंगी, मुझे बस उससे असाइनमेंट लेना और चले जाना है। ठीक है अभी बुलाती हूँ। सुषमा बेटी जरा बाहर आना। आ रही आ रही है, बहुत शर्मीली है मेरी बेटी और नादान भी है लेकिन बहुत आज्ञाकारी है। और हाँ हाँ समझ गया, वो संस्कारी भी है। लेकिन वो तो मैंने बोला ही नहीं। आप प्लीज उसे बुला देंगी? हाँ हाँ। सुषमा बेटा आओ, मरे जा रही है। पता नहीं कब आएगी, पिछले 1 घंटे से यहीं खड़ा हूँ, बैठने के लिए भी नहीं बोलती है। वो आएगी भी या नहीं मुझे क्या पता, अगर आपको लेट हो रहा है तो आप जाओ ना, मुझे क्यों ताना मार रहे हो? कैसी औरत है ये, और रुक नहीं सकता मैं यहाँ। छोड़ो जमुना या फिर भूमि के घर जाता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना, चाय तो पीते जाइए। बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी और चाय की बात करती है। नहीं नहीं फिर कभी खा लूंगा। मजा आ गया, उसका मुंह सूख कर इतना सा हो गया था। चलो अब भूमि को फोन कर बता देती हूँ। काम हो गया सुषमा, चल चल अब मेरी बारी है। हाँ हाँ
सिर्फ तेरी बारी है और मैं क्या करूँगी, आलू छिलूंगी क्या? ओह मैं तो भूल ही गई थी। हाँ हाँ तुझे भी तो कुछ करना होगा। तू ना एक काम कर। हाँ हाँ बोल बोल। तू ना घर में जाके सो जा। मैं क्यों सो, मैं क्या सोने के लिए आई हूँ यहाँ पे? प्लान व्लान को एग्जीक्यूट करना तेरी बस की बात नहीं है। हाँ लेकिन अगर ये सोने की कंपटीशन होती तो तू जरूर फर्स्ट आती। चल निकल यहाँ से। तो तू मुझे नहीं लेगी? ठीक है मैं जाकर सर को सब सच सच बता दूंगी कि तुम लोग सर को सता रहे हो। नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक, मत जा मत जा। तुझे प्लान में हिस्सा लेना है ना? हाँ। तो तू घर जाकर जो करना है कर, जैसे तुझे सर को सताना है सता, लेकिन घर से बाहर मत निकलना वरना हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। ठीक है मैं घर में रहकर ही सर को परेशान करूंगी। हाँ हाँ। हे भगवान कहीं ये गधी हमारे प्लान का माँ बहन एक ना कर दे। अब मैं जल्दी से जाकर अपने घर में छिप जाती हूँ। अरे मर गई, सर तो इसी तरफ ही आ रहे। oh, no. जल्दी से छिप जाती हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने अभी भी जमुना को देखा वहाँ पर और वो मुझे देखते ही छिप गई। ये लोग जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे जिससे मेरी नौकरी चली जाए। बेटा तुम लोग शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूँ, अभी पकड़ता हूँ तुझे, रुक। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, लगता है भाग गई जमुना की बच्ची। ऐसे ही मेरे पास टाइम नहीं है, ऊपर से ये सभी के सभी मेरे साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। मुझे उल्लू बनाने पे उतर आए, मेरी नौकरी खाकर ही मानेंगे। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अगर मुझे कोई नहीं दिखा तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूंगा, लेकिन 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 उस खड़ूस प्रिंसिपल के पास मैं नहीं जाऊंगा। इतने आसानी से तो मैं हार नहीं मानने वाला। तुम लोगों की तो रुको मैं हड्डी पसली एक करूंगा। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, सर के साथ छुपन छुपाई खेला, ये बल्ले 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 बल्ले। अरे सर, अरे ये तो भूमि है। रुक भूमि, रुक रुक रुक, कहाँ भागे जा रही है? कहीं नहीं सर, वो ना मुझे दो नंबर लगी थी। जाओ करके आओ। नहीं सर वो तो निकल गई। क्या मतलब? मतलब अभी नहीं लग रही। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मैंने तुम्हें कुछ असाइनमेंट करने को दिया था, वो कहाँ है? ओ असाइनमेंट, मैंने तो वो कब का कर लिया, बस आपको देने ही वाली थी। कब देने वाली थी? मेरे मर जाने के बाद? नहीं सर, सर मैं अभी असाइनमेंट लाती हूँ, आप यहीं पर रुकिए। रुको रुको रुको, तुमने मुझे क्या उल्लू समझ कर रखा है? मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। सर मेरा घर बहुत ऊपर है, आप जल्दी जल्दी थक जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यू गई और यू आई। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी आना और कोई होशियारी नहीं। ठीक है। दो घंटे हो गए और वो अभी तक नहीं आई, मुझे इसकी बातों पर आना ही नहीं चाहिए था। सबके सब मस्ती खो रहे और सभी मुझे उल्लू बनाने पे तुले हुए, फालतू में टाइम वेस्ट करा दिया मेरा। चलो अब सर को ढूंढती हूँ और ये असाइनमेंट भी तो देना है, बहुत मजा आएगा। अरे ये जमुना भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर क्यों घूम रही है? अरे जमुना तुझे बोला था ना चुपचाप घर बैठने के लिए, फिर अपना जलवा दिखाने के लिए गाँव गाँव क्यों घूम रही है? किसको पटाने के लिए ये सब करके आई है? कोई भी नहीं पटेगा तुझे देखकर। वो सब तुम लोग करते हो, खुद का चरित्र मुझे बता रही है। 10 kg का मेकअप फुसकर लड़का पटाने के चक्कर में रहती है। ज्यादा पटर पटर मत कर, अपनी जुबान का लगाम दे। मैं तो बस सर का ध्यान भटकाने गई थी लेकिन बाल बाल बच गई। तुझे स्मार्टनेस दिखाने को किसने कहा था? मैं तो तुझे चुपचाप घर पे बैठने के लिए बोला था ना। अगर मैं घर पे बैठती तो मुझे नींद आती। सो जाती, आज तक तूने कभी किसी कॉम्पिटिशन में भाग लिया है? लेती तो भी हार जाती। जा घर जाके सो जा। तुम लोग मुझे बार बार सोने के लिए बोलते रहती हो, तेरी तो। मुझसे पंगा लेने वाले। अरे वो रहे सर, चलो अब अच्छी बच्ची की तरह सर के सामने जाकर प्रकट होती हूँ और अपना जलवा दिखाती हूँ। अरे सर आप हमारे गांव पे अचानक मुझे बोल देते मैं लेने आ जाती। होगा होगा, बातें बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर जाकर आ चुका हूँ। तुम तो निकली नहीं और मम्मी को भेज दिया, क्यों नहीं निकली तुम घर से बाहर? सर मैं कुछ काम के लिए बाहर गई थी इसीलिए। तो फिर तुम्हारे मम्मी ने मुझे क्यों नहीं बताया? खामखा मेरा टाइम वेस्ट हो गया,
तुम्हें पता भी है मैं किस काम के लिए आया हूँ? वो ना सर, मैं मम्मी को बिना बताए चली गई थी। ऐसी क्या बात आ गई कि तुमने मम्मी को भी नहीं बताया? सर वो बात मैं आपको नहीं बता सकती। चुपचाप सच सच बताती हो या नहीं? सर मैं सच्ची बोल रही हूँ, मम्मी खामखा टेंशन करती, उनका बीपी है, शुगर है, ऐसे भी मैं क्या करूँ, आप ही बताओ सर। अरे तुम रोना बंद करो, रोना बंद करो, रोना बंद करो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं सर। चलो चलो अब तुम रोना बंद करो। सर ये लीजिए असाइनमेंट, मैंने कर लिया। वाह तुमने असाइनमेंट किया है? ठीक है तो फिर एक बार मैं तुम्हारा असाइनमेंट देख लेता हूँ। अभी नहीं, मैंने सब सही सही लिखा है, अब टेंशन मत लीजिए, अब जाके प्रिंसिपल सर को दे दीजिए। हाँ इतना तो भरोसा है मुझे तुम पर। हाँ हाँ कितना भरोसा है तुझे मुझ पर, वो तो थोड़ी देर बाद पता चली जाएगा। क्या हुआ, तुम कुछ बोल रही हो क्या? कुछ भी नहीं। एक काम कर सकती हो, तुम मुझे जमुना के घर ले जा सकती हो, मुझे उसका भी असाइनमेंट लेना है। जमुना सर अब तो रात भी होने वाली, आप एक काम कीजिए अब कल सुबह आ जाइए। नहीं नहीं कल सुबह तक का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे आज ही असाइनमेंट सबमिट करना है प्रिंसिपल को, वरना वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे असाइनमेंट सबमिट कर दिया, वरना आज मेरी बैंड बजती। थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप जल्दी जल्दी जाइए। हाँ हाँ बल्ले 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 इससे छुटकारा मिलने वाला है, बल्ले 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 इससे छुटकारा मिलने वाला है, अब प्रिंसिपल इसको लात मार के निकालेगा, बराया हमें पराने वाला। आज मेरी नौकरी बच जाएगी। अच्छा हुआ कि सुषमा ने मुझे एंड मौके पर आकर अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया, मेरा तो हालात ही खराब हो चुका था। सर ये लीजिए असाइनमेंट। सबका असाइनमेंट तो मैं कलेक्ट नहीं कर सका, पर एटलीस्ट एक का कर लिया मैंने। वाह क्या बात है, ये सपना है या हकीकत? सर हकीकत है हकीकत, सब मेरे टीचिंग स्टाइल की वजह से हुआ है कि आज सुषमा जैसे स्टूडेंट ने मुझे असाइनमेंट सबमिट करा। सुषमा ने? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कहीं आपको उसने फिर से पोपट तो नहीं बनाया? नहीं सर सुषमा ने सच में असाइनमेंट किया है, मैंने खुद चेक किया है। आई ग्रेटली डाउट, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप खोल कर देख लीजिए। हाँ जी वही करता हूँ। कहाँ है असाइनमेंट मिस्टर प्रशांत, कहाँ है? क्या बोल रहे हो आप, ये तो पूरा का पूरा ब्लैंक है। ये कैसे हो गया सर? मुझे पता नहीं ये कैसे ब्लैंक हो गया। एक काम भी आपसे ढंग से नहीं होता है, उसने असाइनमेंट किया ही नहीं था, आपको ऐसे ही उल्लू बनाया उसने। आप किसी काम के नहीं हो, You are useless. एक काम दिया था मैंने आपको, वो भी आप ढंग से नहीं कर सके। You are fired. Get out. नहीं सर. Get out. So guys, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम आई डी प्रशांत यूट्यूबर को फॉलो कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।